बात करेंगे कोफूर लिमिटेड के बारे में। प्रीवियस क्लोज की तरफ नज़र देंगे तो प्रीवियस क्लोज भी बहुत आपको शानदार नज़र नहीं आता है 3397 का, जो पिछले प्रीवियस क्लोज से ये थोड़ा कम है। शुरुआत इसकी बाकी शेयर की तरह ही नहीं हुआ, आज थोड़ा कमतरता के साथ शुरू हुआ, जहाँ पे बाकी शेयर थोड़े बढ़ के शुरू हुए थे, लेकिन इस शेयर में थोड़े हमने डाउन ट्रेड के साथ इसमें हमने देखा है। तो शुरुआत में तो इसने एक अपर लाइन को छूने की बिल्कुल कोशिश की और ये लाइन था 3450 का। जी हाँ, 3450 का ये लाइन इसने सबसे पहले छुआ और यहीं से फिर इसने ट्रेड करने की सोची आगे, लेकिन मुबारक नंबर ये ना होने के कारण यहाँ से एक हमको मेडियन ढूंढ के मिलता है 3420 का जो मेडियन इसने तैयार किया था, उसके बदौलत आगे बढ़ने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जहाँ से हमने देखा तो 12 बजे के बाद से बहुत सारे शेयर्स आज के दिन टूट के बहुत ज़मीन पे बिखर गए, तो इसमें से ये एक शेयर भी था। और ये शेयर जब टूट के बिखरने लगा तो इसने बहुत अजीब तरीके का पैटर्न बनाया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल डाउन ट्रेड करते हुए ये नीचे आया। ऐसे बिल्कुल नीचे नहीं आया कि सीधा नीचे आके गिरा, इसमें कई बार अपर बॉटम का सपोर्ट आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस इसने तैयार किया, पर डाउन ट्रेड के साथ इसने रेजिस्टेंस तैयार किया है और तैयारी के साथ फिर जाके इसमें बिल्कुल बॉटम लाइन को छुआ है। इसका मतलब जब ये कल शुरू होगा तो ये और नीचे जाएगा और करेक्शंस इसमें हमको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी बात होती है कि आप अगर इसमें नए हैं और इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अच्छे डिस्काउंट रेट पे थोड़ा मिल सकता है, आप दो दिन और रुकेंगे तो शायद और ज़्यादा आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। फिलहाल अगर शेयर बाज़ार की तरफ अगर आप आँख उठाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मंदी नज़र आएगी। कल भी बहुत ज़्यादा शेयर्स गिरे थे, आज भी गिरे हैं। हाँ, सिर्फ 10-15% शेयर ही है जो कल चढ़े थे, लेकिन मैक्सिमम शेयर्स के चपेट में आया था जो एक 12 बजे के आसपास एक डाउन ट्रेड हुआ था और दूसरा 3:15 से लेकर 3:30 बजे के आसपास एक डाउन ट्रेड हुआ था। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है, इसलिए आप अगर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं कोफोर्ग में, तो आपका कितना होना चाहिए, आपका इसमें होना चाहिए 3390 का। फिलहाल एक महीने के लिए आप एक महीना भी नहीं लगेगा, उससे पहले आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप इसमें 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए देखिए कंपनी ने आपको 67% दिया है रिटर्न, तो आपका इसमें निवेश कितना होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो 5 साल के हिसाब से आपका टारगेट इसमें 5560 का टारगेट आप आसानी से इसको कवर कर लेंगे।